नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हर रोज की तरह, हर बार की तरह हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज फिर से हम पल्सर के बारे में वीडियो बना रहे हैं। पल्सर का एक सीरीज हम बना के जा रहे हैं जिसमें से 180 सीसी का जो बाइक था उसको रिप्लेस करके बजाज ने अब 180F नियोन के वर्जन में एक नया बाइक लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस बाइक के बारे में हम डिटेल्स बताएंगे, क्या बाइक में खामियां हैं, क्या बाइक में अच्छा है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखते रहिए इस हमारे वीडियो को आखिर तक और जानिए इस नए बाइक में है क्या। बाइक का एक वॉक अराउंड ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 180F पल्सर का जो नया नियॉन वर्जन है। दोस्तों, इस बाइक को अगर देखेंगे तो इसमें कुछ नया आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ये पुराना 220 जो पल्सर सीरीज था उसी का एक कॉपी आप कह सकते हैं। इसका जो फ्रंट हेडलाइट प्रोफाइल है जैसे 220 में था वैसे ही प्रोफाइल को इसको रखा गया है। कुछ ग्राफिक्स में चेंज किया गया है। लैंप पे अगर ध्यान दे तो इसका हेडलैम्प जो है, जो बल्ब का क्वालिटी है वो हेलोजन रखा गया है। और एक सामने की तरफ अगर ध्यान दे तो एक इसके जो स्ट्रिप्स जो यूज इन्होंने किया है, जो स्टिकर्स इन्होंने यूज किया है, इससे इस बाइक का और भी कलर एनहांस हुआ है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी जो स्टिकरिंग है बस वही एक चेंजेस है और कुछ छोटी बड़ी चेंजेस के साथ इस बाइक को लॉन्च किया गया। नियोन का वही देखिए, उसी नियोन के कलर में इसका इसका ब्रांडिंग किया गया है। पीछे का जो हैंड ग्रैब है इसको भी ऑरेंज कलर में है और 180F जो ब्रांडिंग है इसको भी कलरफुल किया गया है। स्प्लिट सीट वर्जन में आ रहा है। 15 लीटर टैंक और अगर ध्यान दें इंजन के तरफ तो 178 सीसी का ये मजबूत एक इंजन, 180 इंजन सीसी का आ रहा था, वैसे ये कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और अगर इसकी सिलेंडर को ध्यान दें तो इसका जो सिलेंडर है इसमें थोड़ा चेंज किया गया। 150 सीसी का मॉडल को इसको कॉपी किया गया है जो एग्जॉस्ट इसका सिलेंडर है। और बढ़िया एक ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये बाइक आ रहा है, एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये बाइक आ रहा है अगर ध्यान दें तो। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका जो हेडलाइट है, इसका जो हेडलैम्प का जो प्रोफाइल है वो पुराना 220 की तरह है। इसकी अगर डिजिटल कंसोल को अगर ध्यान दें तो ब्लू और वाइट में आ रहा है, वही पुरानी की तरह। 15 लीटर टैंक, ग्राउंड क्लियरेंस, 5 स्ट्रोक इंजन। तो दोस्तों, एक कह सकते हैं कि एक पुराना पैकेज है जो एक नया कवर में बजाज इसको बेचना चाह रही है। तो दिक्कत की बात ये होने वाली है क्योंकि 180F जो नया फ्यूल इंजेक्टेड इंजन बाइक है हाल ही में अभी लॉन्च करने वाली है और अप्रैल के बाद से ABS सिस्टम भी लॉन्च होने वाला है। तो इन बाइकों में थोड़ी खामियां इस तरह से आ सकती है कि लोग ABS की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्रंट टायर की तरफ ध्यान दें और अगर फ्रंट डिस्क को ध्यान दें तो 260mm के साथ आ रहा है और इसके जो टायर साइज है 90x90 है फ्रंट का। पीछे की तरफ ध्यान दें तो 230mm डिस्क है और इसके जो टायर साइज है 120x80 है। इसका पीछे का हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ में बजाज सिलचर शोरूम के जो सेलर हैं वो हमें मदद कर रहे हैं। आप बाइक को ही देख अंदाजा लगा सकते हैं, बाइक का थोड़ा डस्ट है क्योंकि हम जस्ट अभी इस बाइक को शोरूम से निकाले हैं बाइक की रिव्यू करने के लिए, इन्होंने हमें मदद किया। तो दोस्तों, ये बाइक का जो एक स्टिकरिंग है 220 का प्रोफाइल है वरना वही 180 सीसी का इंजन है। टैंक का साइज अलग है। और हाँ दोस्तों, और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये बाइक दो कलर में आ रहा है, एक रेड कलर में आ रहा है और एक ऑरेंज के शेड में आ रहा है, वरना दोनों ही ब्लैक, एक ग्लोसी ब्लैक है और एक मैट ब्लैक में आ रहा है। तो दोस्तों, ये 180 का था। अगर फिर से एक बार आगे ध्यान दें तो यहाँ पे इन्होंने ग्लास को रखा है। कुछ लोगों का मानना होता है ये ग्लास रेयर व्यू के लिए अच्छा नहीं होता है,
कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। तो दोस्तों इसका प्राइस जो अभी पड़ रहा है यहाँ के सिल्चर के शोरूम में 91,600 पड़ रहा है। तो दोस्तों इसमें किक पेडल नहीं है, सेल्फ स्टार्ट में 12 वोल्ट का बैटरी इसका है, और इसका टॉर्क जो है, टॉर्क के बारे में अगर बात करें तो 14.2 टॉर्क है, 17 प्लस इसका जो पावर। कोई एलईडी इसमें लाइट अभी तक यूज नहीं किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। तो ये बाइक को हम क्विक में आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन में बाइक हमें मिला था कि हमें तुरंत इनको वापस करना है। तो इसकी जो राइडिंग रिव्यू है और इसके बारे में जो डिटेलिंग है आने वाले दिनों में, अगर एबीएस लगता है अप्रैल महीने के बाद, तो हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो इस बाइक के बाद, अगर आप इस बाइक ले चुके हैं तो आपको बाइक चला के कैसा लग रहा है और इस बाइक के बारे में क्या जानना चाहते हैं, जो भी हो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जानिए इस बाइक के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को क्योंकि हमारे चैनल का 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो फिर से आपको हम थैंक्स कहना चाहते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।